हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देख जामक्रेकर। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर टू के लिए विज्ञान एवं गणित के प्रश्नोत्तर। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट वन में किया था, वैसे ही हम इसमें मैथ्स, पैडागोजी और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन डैश के द्वारा किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेपर पेंसिल परीक्षा, सेकेंड है ICT गतिविधि, थर्ड है परियोजना कार्य एंड फोर्थ ऑप्शन है गणित प्रयोगशाला गतिविधि। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन वन, पेपर पेंसिल परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन, सेकेंड है समस्या समाधान, थर्ड है वाख्यान पद्धति एंड फोर्थ ऑप्शन है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। 93 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में शून्य अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। सेकंड ऑप्शन है अंकुर में एकाग्रता की कमी है जिसकी वजह से उसमें परीक्षा का भय है। थर्ड ऑप्शन है अंकुर घर पर न तो पढ़ता है और न ही अभ्यास करता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम सिर्फ पैडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच के जो क्वेश्चन है उसको स्किप कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उसके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, सेकंड है समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, थर्ड है समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिक से अधिक गतिविधियाँ का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, जिग्सा पहेली आदि बनाना या फिर हल करना। 103 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113, सलमान -3 -4 = +7 को हल करता है, इस त्रुटि का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है, सेकंड ऑप्शन है सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई है, थर्ड ऑप्शन है सलमान लापरवाह है एंड फोर्थ ऑप्शन है सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। 113 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, समस्या समाधान पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना, सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को खुली चुनौती समझ वाला बताते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक यानी कि अन्वेषणात्मक चिंतन विकसित करना, थर्ड है गणितीय बोध भाव विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश एंड फोर्थ ऑप्शन है पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं तथा संकल्पनाओं को पढ़ाना। 114 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, श्री मनीष सममिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, गणित प्रयोगशाला गतिविधियों तथा ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। श्री मनीष फर्स्ट ऑप्शन में समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण पढ़ाने से बच सकें जो उनकी रुचि का नहीं है, सेकंड ऑप्शन है केवल गतिबोधक शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, थर्ड है सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। करेक्ट आंसर होगा 115 का हमारा ऑप्शन सी, सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएँ दी गई है। फर्स्ट है लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कौन दो धीमे दहन को दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डी और ए, सेकंड है ए और सी, थर्ड है बी एंड सी एंड फोर्थ ऑप्शन है बी एंड डी।
करेक्ट होगा 121 का हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, लोहे पर जंग लगना और श्वसन। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है। फर्स्ट ऑप्शन है यीस्ट, सेकंड शैवाल, थर्ड साइनोबैक्टीरिया एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवाणु। करेक्ट होगा 122 का हमारा ऑप्शन डी, जीवाणु। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CO2 एवं H2O, सेकंड है CO2, SO2 एवं H2O, थर्ड है केवल CO2 एंड फोर्थ ऑप्शन है CO2, CO एवं H2O। करेक्ट होगा 123 का हमारा ऑप्शन वन, CO2 एवं H2O। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर पर, सेकंड है उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, थर्ड है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने एंड फोर्थ ऑप्शन है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। करेक्ट होगा 124 का हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 125, उष्मीय मान की SI इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है जूल प्रति किलोग्राम, सेकंड है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, थर्ड है किलो जूल प्रति किलोग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन है कैलोरी। करेक्ट होगा 125 का हमारा ऑप्शन सी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 126, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, सेकंड है जीवाणुनाशन, थर्ड है समांगीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है किण्वन। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, सेकंड ऑप्शन है विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, थर्ड है विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है एंड फोर्थ ऑप्शन है यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन, ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन कौशलों का आकलन करने, सेकंड है विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, थर्ड है मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने एंड फोर्थ ऑप्शन है महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। 128 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129, आहारी रेशे फर्स्ट ऑप्शन है कोलेजन रेशों से बनते हैं, सेकंड है प्रोटीनों से बनते हैं, थर्ड है रुक्षांश भी कहलाते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोस और प्रोटीनों से बनते हैं। करेक्ट होगा 129 का हमारा ऑप्शन सी, आहारी रेशे जो हैं वो रुक्षांश भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब फर्स्ट ऑप्शन है तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, सेकंड है तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, थर्ड है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। 130 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्रिलिक, सेकंड है पॉलिएस्टर, थर्ड है नायलॉन एंड फोर्थ ऑप्शन है रेयॉन। करेक्ट होगा 131 का ऑप्शन डी, रेयॉन जो है वो कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने, सेकंड है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने, थर्ड है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। 132 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133, वह गैस जो रक्त में कॉर्बेक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड,
सेकेंड है नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट होगा 133 का ऑप्शन वन कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 134, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ कहलाता है। सेकेंड ऑप्शन है भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। थर्ड है रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघु गणकीय है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भूकंपनी तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती है। 134 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सेकेंड है इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। थर्ड है यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो इनमें से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की विशेषता है वो बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा 135 का हमारा ऑप्शन वन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के तर्कना कौशल को दृढ़ करने। सेकेंड है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। थर्ड है विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने। 136 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। क्वेश्चन नंबर 137, विद्यार्थियों ए बी सी तथा डी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। तो यहाँ पे जब विद्यार्थी ए जो है वो सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव उसका ये पड़ता है कि नीले रंग में बदल जाता है, और सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है कि कोई बदलाव नहीं होता। फिर बी जब करता है तो कोई बदलाव नहीं होता और लाल रंग में बदल जाता है। फिर सी जब करता है नीले रंग में बदल जाता है और फिर लाल रंग में बदल जाता है। डी जब करता है तो कोई बदलाव नहीं और कोई बदलाव नहीं, दोनों में ही उसका वही होता है। तो किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है। करेक्ट होगा 137 का ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने। सेकेंड है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। थर्ड है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने। एंड फोर्थ ऑप्शन है लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विज्ञान में सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना। सेकेंड है अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। थर्ड है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, सेकेंड है हेपेटाइटिस ए, थर्ड है डेंगू बुखार एंड फोर्थ ऑप्शन है हैजा। 140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रतिजैविक हैजा के उपचार में प्रभावी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट डैश का सुपरिचित प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है रेयन, सेकेंड है पॉलीएमाइड, थर्ड है पॉलिएस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्रिलिक। करेक्ट होगा 141 का हमारा ऑप्शन सी, पॉलिएस्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा उसके डैश पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है पदार्थ और मोटाई, सेकेंड है पदार्थ लंबाई और मोटाई, थर्ड है पदार्थ और लंबाई एंड फोर्थ ऑप्शन है लंबाई और मोटाई। 142 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके पदार्थ लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 143, मांसपेशियों को सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन एवं फ्लोरीन, सेकंड है लौह एवं आयोडीन, थर्ड है लौह एवं कैल्शियम एंड फोर्थ ऑप्शन है सोडियम एवं पोटेशियम। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। मांसपेशियों को सुचारू क्रिया के लिए लौह एवं कैल्शियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 144, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाधर प्रभाव का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन जल वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मीथेन एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन और जल वाष्प। करेक्ट हो जाएगा आपका 144 का ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने के पानी का दुधियापन डैश के कारण दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन है विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, सेकंड है चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, थर्ड है चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों यानी कि गंदगी एंड फोर्थ ऑप्शन है अविलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। करेक्ट हो जाएगा आपका 145 का ऑप्शन वन, विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 146, विलयनों के अम्लीय क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिमाण सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? तो यहाँ पे केस, फिर परीक्षण विलयन, लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन, नीले लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन, अम्लीय क्षारकीय उदासीन। फिर यहाँ पे ए में दिया गया है NaCl, कोई परिवर्तन नहीं, लाल अम्लीय। फिर बी है चूने का पानी, नीला, कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन। सी है सिरका, कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन। एंड डी ऑप्शन है कपड़े धोने का सोडा, नीला, कोई परिवर्तन नहीं, क्षारकीय। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाला राइट है, तो 146 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, सेकंड है प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, थर्ड है विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। 147 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। क्वेश्चन नंबर 148, एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रकर्मण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? फर्स्ट ऑप्शन है परियोजना कम डैश प्रयोगशाला पद्धति, फिर है व्याख्यान कम निर्देशन पद्धति, थर्ड है दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याख्यान कम चर्चा पद्धति। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विलयशील नाइट्रोजन यौगिक, सेकंड ऑप्शन है फलीदार पादप सहजीवी तने की ग्रंथि, थर्ड है जड़ों की ग्रंथियां घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप। करेक्ट होगा आपका 149 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150, एक प्रयोगशाला तापमापी यानी कि थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है, इसका तात्पर्य है कि तापमापी यानी कि थर्मामीटर डैश तक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 55.2 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 55.25 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 55.1 डिग्री सेल्सियस एंड फोर्थ ऑप्शन है 55.5 डिग्री सेल्सियस।
करेक्ट होगा 150 का आपका ऑप्शन वन, 55.2 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने मैथ और साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।